आज पेटी चाल नंबर 18 में यहाँ के अध्यक्ष श्रीधर यादव साहब ने एक बौद्ध धर्म का एक प्रचार ला रखा था और साथ ही में दशहरे के भी कार्यक्रम रखा था। उसमें उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया, मैं अपनी माता बहनों को मिला और बुद्ध के बारे में जो वो हमारी बहन ने बातें की वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। कि गौतम बुद्ध एक बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ के 7 साल तक के अपने जंगल में रहे और एक भगवान का रूप धारण करके वापस ऊपर आ गए, जिन्होंने आने के बाद में अपनी बीवी को भी माता कहा, मतलब वो इतने पवित्र हो चुके थे। तो ये सब बातें सुन के एक दिल बहुत भर आया कि आज उस गौतम बुद्ध के मानने वाले आज बड़े संदेह में आ गए, उनकी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। बहुत खुशी हुई और आज यहाँ पर हमने जितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं वंचित भोजन अगाड़ी के, वो तमाम उसी समाज के हैं और पूरी बिल्डिंग ही पूरी हमारे वंचित समाज की है। और आज तमाम लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो तमाम लोग मेरे लिए वोट करेंगे। तो आने वाले वक्त में बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि सत्ताधारी जमात होना चाहिए, तो वो सत्ताधारी जमात हम बन के रहेंगे और विधानसभा में जाके हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो सर, स्वयं से आप अलग अलग धर्म के मंदिरों में जा रहे हैं, तो इससे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखो, मैं पहले से ही धर्म निरपेक्ष था। आपको बता दूं मैं कि जब मैं यहाँ पर 92-93 में रॉयट के अड्डे पर जब मैं यहाँ पर नौकरी करता था, तो 92-93 राइट्स के बाद मैंने मुंबई कमिश्नर को इसी मैदान में लाया था। मैंने सर्वधर्म सभाओं के लिए मैं लाया था। पहली बार कमिश्नर साहब ऑफिस के बाहर निकले और इस पटागन में आकर उन्होंने बड़ी सभा लिए थे और तमाम लोगों ने उस टाइम पर बहुत प्रशंसा की थी कि PSI लेवल के आदमी ने कमिश्नर को लाया। मैंने हर वक्त तमाम जात धर्मों को एक साथ में रखा। मैंने कभी भी किसी धर्म से नफरत नहीं की, हर धर्म को मैंने प्यार किया। बुद्ध धर्म को प्यार किया, हिंदू धर्म को प्यार किया, मुस्लिम धर्म को प्यार किया। आज आप इतनी सारी महिलाओं से मिले, उनके आगे अपनी बात रखी, कुछ वादे आपने भी किए, तो किस तरह से उनके लिए खड़े उतरेंगे आप उनके वादों पर? जी बिल्कुल, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मेरा आचार विचार है वो मैं प्रैक्टिकली उसको मैं पार करता हूँ। मेरे बोलने में और करने में फ़र्क नहीं होता है। कुछ लीडर है कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, मेरा वो नहीं है। जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ। टन साहब, आप आज आपके बीच आए हैं और आपकी समस्याओं को लेकर जी जान से खड़े हैं आपके साथ, तो आपका कितना सहयोग रहेगा? सबसे पहले सभी भारत निवासियों को 63वां धम्मचक्र परिवर्तन दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देकर और आने वाले नस्ल में हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे युवा कार्यकर्ता शमशेरखान पठान जी बहुत संत मत से आएंगे। ये हमारा निर्धार है। हमारे BIT वासियों को ऐसा लगता है कि ये देश में सच्चाई, प्रामाणिकता, समता, बंधुत्व, न्याय ये होना चाहिए। जो बाबा साहब का संविधान है वो अखंडित चलना चाहिए और ऐसे ही आबादित रहना चाहिए। इसलिए हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे सम्मानीय आदरणीय शमशेरखान पठान जी आज हमारे बीच खड़े और हमारे हाजी माजी सब पदाधिकारी और जितने भी बुजुर्ग महिला है उनका यही आशीर्वाद है कि हमारे शमशेरखान पठान जीतना चाहिए। क्योंकि अगर इस देश में सच्चाई, प्रामाणिकता, समता, बंधुत्व होना चाहिए तो वंचित बहुजन आघाड़ी होना चाहिए। इस तरीके का माहौल देश में पैदा हुआ है, इससे आज सभी लोग डर के मारे जी रहे हैं और इसके लिए इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो जो संविधान के लोग इकट्ठा लेना चाहते हैं, उसमें वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो और कोई भी हो, वह इन सबको इकट्ठा लेके इस देश के संविधान को, इस देश के सर्वधर्म स्वरूपा को, हमको जो बाबा साहब जो दिया है उसको बचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के हमारे सदर हमारे शमशेरखान जी का ऑफिस को ऑपरेट नहीं करना था और इसके लिए हम लोग यहाँ आए। मियाँ साहब से भी हमारी बातचीत काफ़ी मिले हमारे